गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसा हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का 6:30 बज चुका है। अभी इसमें अपना ब्लॉग वीडियो स्टार्ट कर दी हूँ। आज के ब्लॉग वीडियो में क्या क्या है देखने के लिए शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। तो अभी मैं हो गई हूँ थोड़ा बहुत ये देखो रेडी। तो हम लोग अभी कहीं जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहोगे ना तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। तो चलो वीडियो में बने रहिए, बहुत ही अच्छा ब्लॉग बनने वाला है आज का। तो चलो शुरू से लास्ट तक बने रहिए। थोड़ी देर बाद तैयार हो लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। और ये रहा देखो मेरा चूड़ा, कैसा दिख रहा है आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक। सो गाइस अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं और इतने हड़बड़ी में निकले थे कि मैंने आपका अपना फुल लुक नहीं दिखा पाई हूँ। और यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हो गए हैं। अभी हम लोग बिलासपुर पहुँच चुके हैं। बिलासपुर से अभी हमें आगे जाना है, हमें जाना है कोरबा। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं और ये देखो चलो आगे वीडियो एंजॉय कीजिएगा। अंश है मेरे साथ में और सक्षम अपने पापा के साथ। तो यहाँ पे हम लोग 4 गाड़ी में 8 लोग हैं और बच्चे भी हैं साथ में। और यहाँ पे हम किसी और का यानी कि मेरे चाची का इंतज़ार कर रहे हैं, तो फिर वो लोग भी आ गए थे। तो अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं कोरबा के लिए और अब जाके फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। और किस लिए आए हैं वो तो आप लोगों को बताया ही नहीं है। तो हम लोग आए हैं छट्टी में, बुआ के यहाँ छट्टी है और यहीं पे चाचा भी रहते हैं और बुआ भी रहते हैं। तो यहाँ ये है मेरी चाची, बड़ी चाची, जो कि यहीं रहती है कोरबा में। और ये उसके बगल में थी मेरी बहन। और यहाँ पे सब लोग फिर रेडी हो रहे हैं, उसके बाद चलो चलते हैं जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पे। केक वगैरह भी कटेगा तो यहाँ पे ना दोपहर में ही केक वगैरह काट देंगे क्योंकि शाम तक सारे मेहमान चले जाते हैं ना, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। तो अभी हम सब वहीं जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, तो चलो चलते हैं और आप लोग भी हमारे साथ चलिए। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कोरबा और अभी हम लोग जा रहे हैं केक कटिंग में। तो आज है बाबू का छट्टी, यानी कि बुआ के यहाँ आए हैं और चाचा के भी यहाँ आए हैं। तो बुआ के यहाँ ना बुआ के नाती का छट्टी है तो वहीं आए हैं। तो चलो चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं और सब लोग अभी जा रहे हैं केक कटिंग के लिए। तो यहाँ पे आप लोग किस किस को पहचानते हैं वो भी कमेंट करके बताना। जो लोग रेगुलर मेरा वीडियो देखते हो ना वो लोग तो आधे जने को पहचान ही लोगे क्योंकि आधे जने से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो में आ चुके हैं, पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आगे में फ़ोटो भी लगा दी हूँ क्योंकि ना फिर बहुत सारा फ़ोटो हम लोगों ने क्लिक किया था और बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। फिर जब मेरा स्टोरेज फुल हो जाता है ना तो मैं फिर धीरे धीरे करके सबको डिलीट कर देती हूँ और जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने सारे जो भी फ़ोटो इकट्ठ मतलब क्लिक किए थे ना उसको लगा दी हूँ। तो आप लोग भी देखिएगा और फाइनली यहाँ पे केक कटिंग के लिए सब लोग आ चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। तो ये है मेरे भैया भाभी और ये है बाबू जिसका बर्थडे है आज। तो आज पूरे 1 साल का हो गया है तो आज ना इसका बर्थडे भी है और छट्टी भी है। तो चलो आगे पार्टी इंजॉय कीजिए। और इधर देखो फिर से मैंने यहाँ पे फ़ोटो लगा दिया है। तो ये है मेरी मम्मी और अंश और ये मम्मी के बगल में है मेरी छोटी चाची। तो यहाँ पे सब लोगों का खाना पीना हो चुका है। खाना पीना खाने के बाद अब सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं डांस करने के लिए। तो यहाँ पे ओरिजिनल वॉइस तो नहीं लगा सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ी गाना चल रहा है, रिमझिम पानी गिरा दे वर्षा रानी। तो यहाँ पे सब लोग वीडियो बना रहे हैं और ये देखो मेरे दोनों राजकुमार को
तो यहाँ पे मैं इनका फ़ोटो क्लिक करने के लिए लेके आई थी, लेकिन इनके बदमाशी इतना ज़्यादा था कि एक भी फ़ोटो ना एकदम मतलब अच्छे से बिल्कुल भी फ़ोटो यहाँ पे ये लोग ने क्लिक नहीं करवाया था। और अभी शाम का टाइम हो गया है, रात हो गया है मतलब, तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बहुत कोरबा शहर में शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि जब दूसरे ज़िले में आओ या फिर दूसरी जगह आओ तो थोड़ा बहुत तो शॉपिंग बनता ही है। तो बस निकल चुके हैं हम सब यहाँ पे कोरबा घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। तो चलो आज शॉपिंग करके आते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो ये है बेस्ट मोमेंट जहाँ पे हम सभी बहनें, बुआ, चाची, भाभी सब साथ में यहाँ पे बैठ के गप्पे मार रहे हैं, और बच्चे सब सो चुके हैं क्योंकि इस टाइम पे रात के 10 बज चुके हैं। तो बच्चे लोग तो सो चुके हैं, जो बड़े बड़े बच्चे हैं थोड़े से वो बस जगे हैं, बाकी सब सो चुके हैं। और यहाँ पे हम सब बैठ के बहुत सारे गप्पे मार रहे हैं, मतलब कुछ कुछ पुरानी बातें, कुछ वीडियो फोटो ये सब देख रहे हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।